What do you understand by the term neural? नर्वस सिस्टम. ठीक है, अभी हमने जो खत्म किया दैट वाज अ केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो तरीके से होती है. एक होती है हमारे नर्वस सिस्टम के साथ, दूसरी होती है हमारे हार्मोनल सिस्टम के साथ. ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स दैट इज मेंटेन्ड बाय द टू मींस, वन थ्रू केमिकल्स दैट इज हार्मोन्स, सेकेंड थ्रू ऑर्गन्स दैट आर द न्यूरल सिस्टम. ठीक है, सो द नर्वस सिस्टम दैट बेसिकली प्रोवाइड्स अ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज द नर्वस सिस्टम. द नर्वस सिस्टम विच प्रोवाइड्स अ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दैट फर्दर इज डिवाइडेड इनटू द टू ऑफ द पार्ट्स कंप्राइजिंग वन एज द मेजर पार्ट विच इज CNS दैट इज योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल मीन्स दिस इज द मेन मेजर. ठीक है, मेजर नर्वस सिस्टम दैट इज सेंट्रलाइज्ड इन योर बॉडी एंड ऑल द एक्टिविटीज आर ऑल्सो कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड मेकिंग दिस एज अ सेंट्रलाइज्ड पार्ट ऑफ योर बॉडी. ठीक है, मतलब मेन फोकस जो है हमारी बॉडी का जहां कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मेनली हैंडल होनी है वो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्पेशली कंसिस्ट ऑफ ओनली द टू ऑफ द पार्ट्स दैट इज द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. The brain and spinal cord. Do you know where is the spinal cord? पीछे, कहाँ पीछे? हाँ, backbone में. ये backbone है, ये spinal cord है. बताओ. कहाँ से कहाँ तक होती है? Neck region में होती है. पीछे होती है. That's wrong. बिल्कुल सेंटर में होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्रेन टू द लास्ट ऑफ योर बैक. ठीक है, एंड इट इज प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम अराउंड इट. जो स्पाइनल कॉर्ड है ना वो ऐसे बीच में इसके चल रही है. ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड इज वेरी सेंसिटिव. इट इज प्रेजेंट इनसाइड द वर्टिब्रल कॉलम. जो वर्टिब्रल कॉलम के वर्टिब्रे हैं यानी कि जो स्मॉल बोन्स हैं जो हमारी बैकबोन बनाती है वो सारे उसको कवर करते हैं. ठीक है, आप लोगों ने ये ब्रेन सॉरी ये बोन पोर्शन नहीं पढ़ा आप लोगों ने, जो आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर था उसमें हमने स्केलेटल सिस्टम नहीं पढ़ा. तो वहां पे भी अगर आप देखोगे आपकी वर्टिब्रल कॉलम भी आपकी बॉडी के हिसाब से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है. ठीक है, मतलब उसका भी अगर हम डिविजन्स करेंगे तो वो थोरेसिक आ जाएंगे, एब्डोमिनल आ जाएंगे, मतलब वो अलग अलग है. ठीक है, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द वर्टिब्रल कॉलम्स अरेंजमेंट. अब वो जहां जहां पे भी है लेकिन उसके बीच में सारे के सारे चल रही है एक स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड क्या है? दैट इज अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन. ब्रेन से स्टार्ट होती है ये. दैट इज गोइंग फ्रॉम द ब्रेन. अब इसमें ब्रेन का स्ट्रक्चर और ब्रेन वाले सारे पार्ट्स एंड सब पार्ट्स मेरे ख्याल से वो भी नहीं है आपके सिलेबस में. यू आर ओनली हैविंग द लिटल बिट ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन इंट्रोडक्शन एंड अलॉन्ग विद इट यू विल बी हैविंग डायरेक्टली द न्यूरॉन्स स्ट्रक्चर एंड द न्यूरॉन्स फंक्शनिंग. सीधे ही जनरेशन ऑफ द इम्पल्स है आपको. ठीक है, दैट इज हाउ इट इज गेटिंग एंड हाउ इट इज जनरेटेड फर्दर. सिर्फ उनके बारे में, न्यूरॉन्स के बारे में आपको मेन स्टडीज हैं इस चैप्टर में से, बाकी सारा कुछ डिलीटेड. ठीक है, सो स्पाइनल कॉर्ड क्या है? दैट इज फ्रॉम द ब्रेन, अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन. अगर आपको सिंपल मैं रफ स्केच में बताऊं कि दिस इज लेट से द ब्रेन पोर्शन. ठीक है, ये ब्रेन पोर्शन है स्कल में साइड व्यू से. ठीक है, सो अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन यानी इसके ही लेटर पार्ट से अराइज करती है दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड. सो दीज आर टू कनेक्टेड. ठीक है, ये दोनों कनेक्टेड हैं. जो भी रिस्पॉन्सेज हैं मेनली तो सारे के सारे ब्रेन देता है लेकिन देयर आर सर्टन रिस्पॉन्सेज विच आर ऑल्सो जनरेटेड बाय द स्पाइनल कॉर्ड विदाउट इनफॉर्मिंग द ब्रेन. मतलब स्पाइनल कॉर्ड अपने से ही रिएक्शन दे देता है. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कि हमें कुछ ना कुछ स्टिमुलस मिल रहा है और हम उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. पूरे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमने यही पढ़ाना, हमें स्टिमुलस क्या मिला? FSH लाइक सिक्रेट हुआ पिट्यूटरी से, ओवरी को सिग्नल मिला, उसने रिस्पॉन्स क्या किया? उसने फॉलिकल्स जनरेट करने शुरू कर दिए, स्टिमुलेट कर दिया, उसकी डिविजन आगे बढ़नी शुरू हो गई एंड ऑल. ठीक है, ऐसे ही जो भी सिक्रीशन आ रही है वो एक सिग्नल आ रहा है और रिस्पॉन्स क्या जनरेट हो रहा है हमने लास्ट वाले डायग्राम में लिखा था कल वाले में, है ना? तो रिस्पॉन्स जनरेट होता है. रिस्पॉन्स जो है बायोकेमिकल चेंजेस फिजियोलॉजिकल चेंजेस ये लेके आता है ना. तो वो रिस्पॉन्स जनरेट करवाना इज द फंक्शन ऑफ दिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. तो जितने भी हमारी बॉडी के अंदर रिस्पॉन्सेज जनरेट होते हैं वो हमारी ब्रेन करती है. But there are certain that which does not require the involvement of the brain as well, and they are responded directly back from the spinal cord. For example, the reflex actions. Reflex actions क्या होते हैं? आप किसी भी गर्म चीज को हाथ लगाते हो एकदम से पीछे खींच दो,
है ना। अब वहां पे सोचते तो नहीं हो गर्म बर्तन पे हाथ लगाया कि अब मैं इसको हटाऊंगी या नहीं हटाऊंगी, क्या करूं मैं, है ना, ऐसा नहीं टाइम होता हमारे पास। लगा तो साथ ही हमारा रिएक्शन आता है, ऐसे टच करते हो साथ ही रिएक्शन आता है, इंस्टेंट रिएक्शन आता है। वो जो सडन रिएक्शन है दैट वॉज नॉट प्लेड बाई योर ब्रेन, दैट वॉज प्लेड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारी इसमें से नर्व्स निकल के जा रही हैं वो सिग्नल उठा के लेके आ रही हैं और रिस्पॉन्स वापस लेके जाती है हमारे हैंड मसल्स के पास कि अभी कंट्रैक्शन दे दो और हाथ को पीछे पुल कर लो, ठीक है। उसके बाद के जो आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं, जैसे आपके हाथ पे जलन होगा, गर्म लगेगा, फीलिंग आएगा, वो बाद की चीजें जो सोची समझी चीजें आती हैं, जैसे हमें हाई गर्म लग गया, कितना सारा दिन कई बार रोते रहते हैं ना कि मुझे आज मेरा हाथ जल गया, मेरा हाथ जल गया, तो वो वाले जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो सारे ब्रेन देता है ना। वो सोचे समझे इफेक्ट्स हैं, सोचे समझे इफेक्ट्स जितने भी आपके वो सारी ब्रेन देंगी। सो दीज आर द टू ओनली टू पार्ट्स ऑफ योर बॉडी दैट विच आर टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ईच एंड एवरी एक्टिविटी इन योर बॉडी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द हार्मोनल, अगर हम न्यूरल की बात करें तो इनमें सिर्फ ये दो ऑर्गन्स, ठीक है, इकट्ठे। नेक्स्ट इज पीएनएस। पीएनएस इज व्हाट, दैट इज द पेरिफेरल। पेरिफेरल टर्म क्या होती है, साइड्स, ठीक है। पेरिफेरल मीन्स टुवर्ड्स द पेरिफेरी, पेरिफेरी मीन्स टुवर्ड्स द वॉल्स, साइड वॉल्स। अराइजिंग आउट फ्रॉम दिस आर द साइड वॉल्स में जो निकल रही हैं दे आर द नर्व्स, नर्व्स निकल रही हैं, ठीक है। जो नर्व्स सारी की सारी बॉडी में हमारी, वो नर्व्स क्या हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द रीजन, क्रेनियल नर्व्स भी हो सकती हैं, जितने हमारे फेशियल ऑर्गन्स हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स मैक्सिमम यहाँ पे ही है ना, ईयर्स, आईज, नोज, टंग, ये चार तो यहाँ पे, स्किन पूरी बॉडी के ऊपर, पांच ही होते हैं ना सेंस ऑर्गन, ठीक है। अब ये जो चारों हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं जो हमारी फेशियल ऑर्गन्स बनाते हैं, उनका डायरेक्ट कनेक्शन है हमारी कौन सी नर्व्स का, दैट इज द ब्रेन नर्व्स के साथ। आप लोगों ने छोटे होते से क्लासेस में आप लोग डायग्राम एक बनाते आ रहे हो ईयर का या आई का, है ना। तो ईयर और आई के जो लास्ट में आप ऑडिटरी नर्व्स बनाते हो या ऑप्टिक नर्व्स बनाते हो आई के अंदर, है ना, तो वो दोनों नर्व्स जो हम कनेक्ट करते हैं हमेशा बोलते हैं कि वो सारी की सीधी जाती है ब्रेन की तरफ। दे कैरी द सिग्नल टुवर्ड्स द ब्रेन डायरेक्टली क्योंकि दे आर नियर टू द ब्रेन, ये बिल्कुल पास है ना ब्रेन के, साथ है आईज, ईयर्स, नोज, सारा कुछ साथ है, तो इसलिए यहाँ पे जो नर्व्स आ रही हैं जा रही हैं तो दे आर द नर्व्स विच आर कॉल्ड एज द क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। वो नर्व्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, आप किसी भी तरह से इनको क्लासीफाई कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन देयर ओरिजन, दिस इज बेस्ड अपॉन द ओरिजन। देयर आर क्रेनियल नर्व्स और दोज विच आर राइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, दे आर कॉल्ड एज स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। यहाँ पे ही हमारे पास थर्ड फॉर्म एक और होती है विच वी कॉल देम एज द विसरल नर्व्स। व्हाट आर दोज विसरल नर्व्स, नर्व एक स्ट्रक्चर आप पहले पढ़ चुके हो, नर्वस टिश्यू आपने डायग्राम किया हुआ है ना, एनिमल टिश्यू चैप्टर में कराया था याद है, ठीक है। तो उसमें आपने किया देयर इज अ कप लाइक स्ट्रक्चर एट द टॉप विच मेक्स इट डेंड्राइट एंड बिल्कुल एट द एंड देयर आर द नर्व लाइक स्ट्रक्चर्स विच मेक्स अप द नर्व एंडिंग्स, ऐसे ही था, ठीक है। जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा है, अगर कोई ऑर्गन है जैसे ये है तो ये सपोज करो सारी ये नर्व ब्रांचेस हैं, ठीक है, जो नर्व एंडिंग्स हैं, नर्व स्ट्रक्चर्स, ठीक है। मेरी फिंगर्स, फिंगर टिप्स जो हैं वो हमारे ऑर्गन के ऊपर लगती हैं, अभी तक तो हमने यही पढ़ा ना, वो ब्रेन से अराइज हों, वो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हों, लेकिन वो सारी की सारी नर्व्स ऊपर आके अटैच होंगी, है ना, और जितना सिग्नल उसने ऑर्गन का उठाना है वो ऊपर से उठाएंगे, ऐसे ही है, ठीक है। लेकिन जो विसरल नर्व्स हैं ये वो वाली नर्व्स हैं जो ऑर्गन के अंदर से इन्फॉर्मेशन उठा के लेके जाती है, अंदर वाली इन्फॉर्मेशन, मतलब ये नर्व्स जो हैं ये इनकी एंडिंग्स जैसे अंदर चले जाएंगे ऑर्गन के, ठीक है। बाकी सारी नर्व्स ये ओरिजिन बेसिस पे हैं, ओरिजिनेट करती हैं ब्रेन से, ओरिजिनेट करती है स्पाइनल कॉर्ड से, लेकिन जाती कहाँ पे, ऑन द सर्फेस ऑफ द ऑर्गन, है ना। विसरल ऐसी हैं जो कि अंदर मतलब इंटरनल ऑफ द ऑर्गन से इन्फॉर्मेशन उठा के लेके जाएंगी, वो कहीं पे भी हो सकती हैं, इधर टू द ब्रेन और टू द स्पाइनल कॉर्ड, डन। क्रेनियल, हाँ जी, हाँ, ब्रेन से जो राइज होती है, हाँ, ब्रेन के साथ जो कनेक्शंस है सीधे ब्रेन के साथ वो हैं क्रेनियल नर्व्स, ऑन एंड ऑल आने वाली जाने वाली सारी इकट्ठी, ठीक है, जो ओरिजिनेट कर रही है, मतलब जो सिग्नल बाहर लेके जा रही है, जो सिग्नल अंदर लेके आ रही है, ठीक है, तो दोनों तरह से, ठीक है। अब जो नर्व है, अगर ये नर्व या नर्व फाइबर की मैं बात करूं, दीज आर द नर्व फाइबर्स, है ना, ये एक फाइबर है ना पूरा,
लाइक ये जनरेट हुआ है थोरेसिक चैम्बर, यहाँ से हमारे से जनरेट हुआ है स्पाइनल कॉर्ड से और ये हमारी लिम्स में जा रहा है ना। तो ये जो है दिस इज अ नर्व एंड दिस नर्व्स दैट कंसिस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स दैट आर द टिश्यूज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। न्यूरॉन्स का कनेक्शन है ये सारा, है ना, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ये सारे कनेक्टेड होते हैं। व्हेन देयर आर सेवरल ऑफ द न्यूरॉन्स बाइंडेड इन अ चेन, मतलब वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि वो चेन बनाते हैं, एक फाइबर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हम बोलते हैं उसको नर्व फाइबर्स, नर्व फाइबर्स बोलेंगे ना, है ना। अब यहाँ पे नर्व फाइबर्स भी दो तरह के होंगे, कैसे, एक वो नर्व फाइबर्स जो इंफॉर्मेशन यहाँ से बाहर लेके जाएंगे ऑर्गन की तरफ, है ना, उनका अरेंजमेंट उस तरह से होगा, और एक वो जो ऑर्गन से इंफॉर्मेशन वापस लेके आएंगे टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड, उनका जो पैसेज होगा वो उस तरफ होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप न्यूरॉन का स्ट्रक्चर याद करें तो वापस बैक ये हमारे पास न्यूरॉन का स्ट्रक्चर था, ठीक है। इफ दिस इज वन न्यूरॉन, अनदर न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स हैं वो ऐसे ही होंगे ना इसके साथ, तभी तो वो चेन बनाएंगे ऐसा, है ना। तो ये वापस फिर से अगला न्यूरॉन, गेटिंग। ये जो साइनेप्सिस बीच में हो रही है, साइनेप्स बन रहे हैं, स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ये क्या करते हैं, न्यूरॉन्स को कनेक्ट कर रहे हैं, राइट। अब देखो सिग्नल कहाँ से उठाना है, ये हमारी डेंड्राइट है। अगर तो मैं बात कर रही हूँ फॉर द सिग्नल विच इज गोइंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द ऑर्गन, स्पाइनल कॉर्ड से ऑर्गन की तरफ अगर सिग्नल जा रहा है तो डेंड्राइट्स क्या न्यूरॉन्स की शेप ऐसे ही रहेगी, मतलब अरेंजमेंट ऐसे ही रहेगी, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड एंड दिस एंड मेक्स द ऑर्गन, विल इट रिमेन द सेम, हाँ जी सेम रहेगा। अगर मैं कहूँ कि नाउ इट इज गोइंग फ्रॉम बैक फ्रॉम द ऑर्गन टू द स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ ऑर्गन है यहाँ स्पाइनल कॉर्ड है, क्या तब भी सेम है, पुट्ठा हो जाएगा, है ना। अब ये क्या है, मैंने अपने ऑर्गन्स को चेंज करके बोला तो आपको वो सेम नजर आ रहा है ना। जब ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है तो इसका डायरेक्शन ऐसे है, मतलब स्टार इधर है और टेल इधर, कह सकते हो ऑर्गन यहाँ है, स्पाइनल कॉर्ड ये बड़ी है, ये मेरा ऑर्गन, ठीक है, ये वाली लाइन हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ये ऑर्गन है, यहाँ से जब जा रहा है तो स्टार इधर है, नर्व एंडिंग्स इधर है, ऐसे ही, ठीक है। जब यहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है मेरे ऑर्गन की तरफ तो स्टार का है इधर और नर्व एंडिंग्स इधर है, मतलब दे आर नर्व फाइबर्स, दे आर प्रोवाइडेड इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस। डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ द नर्व फाइबर्स दैट विच आर टेकिंग द इंफॉर्मेशन वेदर इन और आउट फ्रॉम द ऑर्गन और द स्पाइनल कॉर्ड, दीज आर क्लासिफाइड एज एफेरेंट नर्व फाइबर्स और efferent nerve fibers, efferent nerve fibers वो वाली जो कंडक्ट करवाएंगी towards the spinal cord, efferent वो वाली जो conduction करवाएंगी away from the spinal cord, ठीक है, efferent nerve fibers, efferent nerve fibers, दो तरह की nerve fibers depending upon their directions, that is the fibers, nerve fiber clear हो गया ना, पहले क्या है, नर्व फाइबर क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये नर्व्स की ही बात कर रहे थे हम, वो जहां से मर्जी अरेंज हो। अब देखो क्रेनियल की बात करी, क्रेनियल नर्व्स क्या थी, ब्रेन से ओरिजिनेट होने वाली। अब ब्रेन के पास दोनों तरह की होंगे ना नर्व फाइबर्स, एफरेंट भी इफरेंट भी दोनों होंगे इसके अंदर, ठीक है। ऐसे ही हमारी स्पाइनल कॉर्ड होंगी, एफरेंट इफरेंट दोनों होंगी, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों रनिंग होंगी, ठीक है। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द नर्व फाइबर्स जिनमें हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं एज एफरेंट एंड इफरेंट। नाउ कमिंग टू द न्यूरॉन्स की स्पेशलाइजेशन, जब हम नर्वस सिस्टम PNS पढ़ते हैं तो अकॉर्डिंग टू द न्यूरॉन्स, अकॉर्डिंग टू दिस कनेक्शंस, ये जो कनेक्शंस आपने पढ़े, अकॉर्डिंग टू द कनेक्शंस द न्यूरॉन्स आर आल्सो क्लासिफाइड। द वन न्यूरॉन्स दैट विच आर कंडक्टिंग, अब यहाँ पे तीन तरह के आपके न्यूरॉन्स आएंगे, तीन न्यूरॉन्स क्या है हमारे, दिस इज अनदर क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन द नर्व फाइबर्स डायरेक्शंस, ठीक है। अब तीन चीजें हमारे पास, एक है सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करेंगे, सेंस करेंगे कहां से कहां, हाँ ऑर्गन से उठाएंगे जो अपना सिग्नल जो है, क्योंकि रिस्पांस देना है इन्होंने, नर्वस सिस्टम ने रिस्पांस देना है, समझे। अभी मैंने बात करी थी जैसे रिफ्लेक्स एक्शन की, है ना,
आपने गर्म बर्तन को हाथ लगाया तो आपका सिग्नल कहाँ टच हुआ? स्किन पे। वो सिग्नल मिला तो रिस्पॉन्स जनरेट हुआ ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से कि अभी हाथ पीछे खींचो। स्पाइनल कॉर्ड से रिस्पॉन्स जनरेट हुआ कि हाथ पीछे खींचो, है ना, मसल्स उसने कंट्रैक्शन दे दी इमीडिएट एंड हमारा हाथ अपने आप से पीछे हो जाता है ना। तो हमें सिग्नल कहाँ से मिला? हमारे स्किन रिसेप्टर से। गर्म ठंडे के लिए हमारे पास यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं कॉल्ड एज थर्मो रिसेप्टर्स। और जब भी टच का रिस्पॉन्स आता है, जब भी कोई चूंटी काटता है एकदम से हमें चीख निकलती है ना, है ना, एकदम से फीलिंग वाला आता है, या कुछ चुभता है, कुछ इरिटेट करता है तो एकदम फीलिंग आता है हमारे स्किन के ऊपर कुछ है ना। तो वो वाली जो फीलिंग है दैट इज बिकॉज ऑफ द टच। एंड उस टाइम पे हमारे रिसेप्टर्स ऑफ द स्किन दे आर कॉल्ड एज थिग्मो रिसेप्टर्स, वो काम में आते हैं। ठीक है, हमारी स्किन के पास दो तरह के रिसेप्टर्स हैं, एक गर्म ठंडे के दैट आर द फॉर हॉट एंड कोल्ड थिंग्स दे आर कॉल्ड एज अ थर्मो रिसेप्टर्स, एंड द अदर आर फॉर द टच दे आर कॉल्ड एज अ थिग्मो रिसेप्टर्स। डन। अब सिग्नल कहाँ जनरेट हुआ? हमारी स्किन के ऊपर। हमारी स्किन से वो सारा ट्रेवल किया हमारी ब्रेन पे या हमारी स्पाइनल कॉर्ड पे, है ना। पहले तो स्पाइनल कॉर्ड पे पहुंचेगा, स्पाइनल कॉर्ड उसको लेके जाएगी टुवर्ड्स द ब्रेन, ऐसे ही है ना। हमारी लिम्ब्स जो है, हमारा लोअर बॉडी पार्ट है अपार्ट फ्रॉम योर फेशियल ऑर्गन्स, फेशियल ऑर्गन सिर्फ इतने हैं हमारे जो कि हमारा क्रेनियल नर्व्स के साथ जुड़े हुए हैं। क्रेनियल मैंने मिटा दिया तो ब्रेन के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं सिर्फ फेशियल। ठीक है, बाकियों के पास क्या पहुंच रहा है? बाकी जितने ऑर्गन्स है आपकी बॉडी के अंदर उनके पास पहुंच रही है सिर्फ स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, तो सिग्नल हमारा उठा के लेके आया गया टुवर्ड्स द सीएनएस, दैट न्यूरॉन्स व्हिच वर इन्वॉल्वड इन दिस पैसेज दे ऑल विल बी कैटेगराइज्ड एज सेंसरी न्यूरॉन्स। डन। हाँ, जो ऑर्गन से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लेके आते हैं, ब्रेन सीधा नहीं, ब्रेन उन ऑर्गन्स के लिए है जो हमारे सिर्फ फेशियल ऑर्गन है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के पास स्पाइनल नर्व्स है ना, वही तो मैं बता रही हूँ कि स्पाइनल नर्व्स ही तो हमारी लिम्स में पहुंच रही है। हमारे जितने बॉडी ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, किडनीज है, स्टमक है, लिवर है, ये सारे के पास स्पाइनल नर्व्स पहुंच रही है ना। हमारे सिर्फ फेशियल ऑर्गन्स के पास क्रेनियल नर्व्स पहुंच रही है। ठीक है, ब्रेन को दे देंगे क्योंकि दे आर हैविंग द डायरेक्ट कनेक्शन। ठीक है, ब्रेन का जो लेटर पार्ट होता है ना, हाइंड ब्रेन, तीन पार्ट्स ब्रेन के मैंने बोले थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर कैरिड होता है, मतलब उसका एक स्पेशल पार्ट है जिसके अंदर ये इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड अटैच्ड है, मतलब ये ब्रेन है, ये ब्रेन का पोर्शन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो स्पाइनल कॉर्ड ऐसे बीच में अटैच्ड है। टुगेदर दे मेक अप द ब्रेन स्टेम, और स्टेम स्ट्रेंथ पोर्शन होता है। ठीक है, ये जो हमारा पीछे बेंट है ना नेक का, दैट रिप्रेजेंट्स द एरिया फ्रॉम वेयर द ब्रेन स्टेम दैट गोज। ठीक है, जो बेंट होता है नेक में होता है ना बैक पे, तभी बोलते हैं कि पीछे वाले जो ब्रेन है ना यहाँ पे, मतलब यहाँ पे एक छोटा ब्रेन होता है, एक बड़ा ब्रेन होता है आपके पूरे दिमाग ऊपर जो सारे काम करता है, बट देयर इज सेरिबेलम एट द बैक। तो उसके ऊपर हिट नहीं करना चाहिए, मतलब कभी भी आप किसी को मारते हो तो आप यहाँ पे मार सकते हो, साइड पे मार सकते हो, उसको बैक पे ज्यादा हिट जोर से नहीं करना चाहिए, बैक पे कभी भी यहाँ पे हिट नहीं करना चाहिए। ठीक है, दैट इज वेरी सेंसिटिव एंड ऑल्सो दैट मेंटेन्स द पोस्चर्स, बेसिकली ऑल योर इन्वॉलंटरी एक्शंस दे आर मेंटेन्ड बाय दिस पोस्चर। ठीक है, सो दैट मे हर्ट, राइट, ओके। तो ये हो गया हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स। सेकेंड आ गया हमारे पास न्यूरॉन्स, अब जो वापस रिस्पॉन्स लेके जाएंगे। रिस्पॉन्स क्या आया था अभी? हाथ पीछे खींचने का, यानी मसल्स को कंट्रैक्ट करने का, है ना। तो रिस्पॉन्स जो वापस लेके जाते हैं दे आर कॉल्ड एज मोटर न्यूरॉन्स। पर अभी एक और बात बोली मैंने कि जो स्पाइनल नर्व्स हैं यहां तक इन्फॉर्मेशन आई, अब यहाँ पे भी तो कोई न्यूरॉन्स चाहिए ना बीच में जो इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं ब्रेन की तरफ और वापस ब्रेन से वापस स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, है कि नहीं। आप एक नॉर्मल एक्शन करते हो, मैं हाथ हिला रही हूँ, मैं लिख रही हूँ या कुछ भी है, ये एक्शंस में तो भी मेरी स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, ये सब कनेक्टेड काम कर रही हैं, है ना। तो इस समय में यहाँ पे भी कुछ न्यूरॉन्स चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ सीएनएस के अंदर चलते हैं, मतलब अंदर की इन्फॉर्मेशन लेके जा रहे हैं, लेके आ रहे हैं, सर्कुलेशन करवा रहे मेंटेन सिर्फ सीएनएस के अंदर, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। तो वो कौन से न्यूरॉन्स है? मिक्स्ड न्यूरॉन्स, दे आर कॉल्ड एज इधर मिक्स्ड न्यूरॉन्स और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज रिले न्यूरॉन्स। ओके, नाउ दिस इज योर होमवर्क अगेन, द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन यू विल बी मेकिंग फ्रॉम योर ओन, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव डन इट प्रॉपर इलेबोरेटेड विद फुल description and the labeling in the animal tissues chapter,
ऑलरेडी वी हैव डन डन, तो आपने ये बना के लेके आना है। कल जो आगे वाला टॉपिक आपका शुरू होना है दैट इज जनरेशन एंड द सिनेप्टिक लेफ्ट, अगर टाइम है तो मैं अभी करवा देती हूँ सिनेप्सिस। लेकिन आपका जो कल टॉपिक शुरू होगा वो मैंने डायग्राम देख के शुरू करवाना, ठीक है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स यू विल ऑल्सो बी ड्राइंग द डायग्राम, ओके? ऑफलाइन वाले तो जितने यहाँ आ रहे हैं वो सबकी कॉपी पे पहले डायग्राम मैंने देखना है, फिर उसके बाद आगे पढ़ाना, ठीक है? CNS तो अपने आप में ये दोनों चीजें हैं ना बच्चे, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड, ये आपस में, हाँ हाँ, और ब्रेन के अंदर भी गला, ब्रेन में भी तो देखो जगह चाहिए ना। जैसे अब हमारी हेयरिंग का जो है सिग्नल है, हेयरिंग का कई बार एक लाउड साउंड आती है और आप इरिटेशन शो करते हो, आपका रिस्पॉन्स इरिटेशन होता है ना, कई बार आप चिल्ला भी देते हो एकदम से कि नहीं मुझे इरिटेट हो रहा है, मैंने नहीं ये सुननी आवाज, इतनी ऊंची ऊंची आवाजें आ रही है, समथिंग लाइक दैट। आपके कानों का जो रिस्पॉन्स है ना, मतलब जो आपका स्टिमुलस ये वाला कानों की आवाज का, दैट गोज टू ओनली वन पोर्शन, वन लोब ऑफ योर ब्रेन, एंड दैट इज अ टेम्पोरल लोब। चार लोब्स होते हैं हमारी ब्रेन में, ठीक है? आईज के बिल्कुल पीछे वाला जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं ऑसिपिटल लोब। ये सारा का सारा हमारा जो है दिस इज फ्रंट वाला, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रंटल लोब, एंड बाकी सारा इज कॉल्ड एज अ पैराइटल लोब। चार लोब्स होते हैं, ठीक है? अब कानों वाला जो सिग्नल है वो गया तो सिर्फ हमारे टेम्पोरल लोब पे, लेकिन उसका इफेक्ट तो पूरी बाकी की ब्रेन में भी जाएगा ना। तो वहां से भी जो न्यूरॉन्स हैं वो बाकी की ब्रेन में जो इरिटेशन दे रहे हैं आपको, जो आपकी लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, जो आपकी मेंटल एक्टिविटी होती है ना, वो आपकी फ्रंटल लोब से होती है, फ्रंट पोर्शन से, ठीक है? जितनी आप पढ़ाई वढ़ाई करते हो ना, जो मेंटल थिंकिंग एंड प्रोडक्शन है वापस पेपरों में जो जाती है, वो सिर्फ आपका ये वाला लोब, आपका ये वाला लोब काम करता है ब्रेन का, ठीक है? दैट इज योर फ्रंटल लोब। अब टेम्पोरल का इफेक्ट देखो फ्रंटल में भी जाएगा, आपकी लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाई वढ़ाई, तो वो ब्रेन के अंदर भी कुछ न्यूरॉन्स हैं जो ब्रेन टू ब्रेन पार्ट्स में ही सिर्फ कंडक्शन दे रही, तो वहां पे भी ये रिले न्यूरॉन्स आएंगे, मिक्स वाली आएंगी, मतलब CNS के अंदर चलाना है, वो ब्रेन ब्रेन में रहे, वो ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड जाए, वो स्पाइनल कॉर्ड रहे, ऐसा, पर वो CNS के अंदर अंदर चले, ठीक है? फर्दर ये चार्ट प्लस इसकी आगे जनरेशन, कल इट विल बी डन एंड योर चैप्टर विल बी डन, ओके? न्यूरॉन स्ट्रक्चर बना लेना ताकि मैं सीधे इसके बाद अब आपका सिनेप्सिस शुरू करवा सकूं और उसके आगे आपका वो पोर्शन शुरू हो जाए, ठीक है? हाँ जी, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन?